नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। पच्छाद उपचुनाव के लिए प्रचार में उतरे सीएम, कार्यकर्ताओं में भरा जोश। धूमल बोले, कागजी सवाल करते हैं कांग्रेसी, कागजों में बनती है राजधानी। शांता ने कहा, जीवन के अंतिम पड़ाव पर मुझे किसी से भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। संतोषगढ़ के चौकी प्रभारी लाइन हाजिर, एसपी के आदेशों को हल्के में ले रहे थे। शिमला में गैर कानूनी कार्ड पर भड़के बागवान, चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। पहले किया हमला फिर लगाई आग, पति पत्नी की मौत, बेटी गंभीर। काम में कोताही पर पंचायत प्रधान और वार्ड सदस्य बर्खास्त। सेल्फी ले रही दो सहेलियां पार्वती नदी में बही, एक बच निकली दूसरी का पता नहीं। अब समाचार विस्तार से। पच्छाद उपचुनाव में मोर्चे पर डटे सरकार के मंत्रियों के बीच अब सीएम जयराम ठाकुर भी प्रचार में जुट गए हैं। सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी इस सीट को जीतने के लिए सीएम वोटरों के बीच पहुंच रहे हैं। बुधवार सुबह ही सीएम राजगढ़ से खैरी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां 4 से 5 मिनट सड़क पर रुक कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इसके बाद सीएम मच्छेर होते हुए सीधे बड़ू साहिब पहुंचे। यहां उन्होंने गुरुद्वारे में शीश नवाया। उपचुनाव के बीच धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाए जाने को लेकर छिड़ी जुबानी जंग में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने बड़ी बात कही है। धर्मशाला में धूमल ने कहा कि कांग्रेस वाले कागजी सवाल करते हैं, कागजों में नोटिफिकेशन करके राजधानियां बनाते हैं, जबकि बीजेपी धरातल पर काम करती है। उन्होंने कहा कि यहां सचिवालय हम लाए, अनेकों कार्यालय लाए। धर्मशाला को स्पोर्ट सिटी के तौर पर हमने विकसित किया, साथ ही फूड क्राफ्ट संस्थान हमने बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ठोस मुद्दों पर बात करनी चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार का कहना है कि जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर उन्हें किसी से भी हिंदू होने का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि कुछ मित्रों ने क्रोध में आकर उनका पुतला भी फूंका। ये धारणा है कि जिसका पुतला फूंका जाता है उसकी आयु बढ़ जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें देश की सेवा करने का और समय मिल जाए तो उनके लिए सौभाग्य ही होगा। शांता ने ये बातें कसौली में खुशवंत सिंह लिट फेस्ट के संबंध में दिए गए अपने बयान के संदर्भ में कही है। ऊना में संतोषगढ़ के चौकी प्रभारी कल्याण ठाकुर को एसपी दिवाकर शर्मा की हिदायतों को हल्के में लेना महंगा पड़ गया है। एसपी ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। अब कल्याण ठाकुर को पुलिस लाइन झलेड़ा में अपनी सेवाएं देनी होंगी। चौकी प्रभारी रहे कल्याण अवैध खनन व एनडीपीएस मामलों में कार्रवाई को लेकर सुस्त रवैया अपनाए हुए थे। एसपी दिवाकर शर्मा ने जिला के तमाम एसएचओ व चौकी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल किसान सभा के नेतृत्व में बागवानों ने आज आढ़तियों द्वारा बकाया भुगतान न करने, विभिन्न मंडियों में आढ़तियों द्वारा की जा रही गैरकानूनी काट तथा एपीएमसी की लचर प्रणाली को लेकर हल्ला बोला। नारकंडा में सैकड़ों बागवानों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार से मांग की है कि बागवानों के पिछले वर्ष व इस वर्ष की आढ़तियों ने जो बकाया भुगतान करना है उसे तुरंत करवाया जाए।
साथ ही बागवानों से गैर कानूनी रूप से की गई काट को तुरंत लौटाया जाए। बिलासपुर जिला के घुमारवी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पत्नी के चरित्र पर शक करने वाले एक शख्स ने पहले अपनी बेटी व पत्नी पर तेज धार हथियार से वार किया और फिर बेटी पत्नी सहित खुद को भी आग लगा ली। इस हादसे में पति पत्नी की तो मौत हो गई, लेकिन बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात को अंजाम देने वाला शख्स हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में कार्यरत था। लोगों का कहना है कि रामकृष्ण पहले भी परिवार के साथ मारपीट करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोलन में कुनिहार विकासखंड की पंचायत चमियावल के प्रधान और एक वार्ड सदस्य को कर्तव्य के निर्वहन में कोताही में दोषी पाए जाने पर डीसी सोलन केसी चमन ने बर्खास्त कर दिया है। यह आदेश हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 एक ख के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि ग्राम पंचायत चमियावल के बर्खास्त प्रधान व वार्ड सदस्य इस अधिनियम के तहत 6 वर्ष की कालावधि के लिए पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए निरहित हो जाएंगे। कुल्लू में पार्वती नदी के किनारे सेल्फी ले रही दो युवतियां नदी में जा गिरी, जिसमें से एक बच निकली जबकि दूसरी का अता पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि दोनों पत्थर पर बैठी हुई थी और सेल्फी ले रही थी कि पांव फिसलने से नदी में गिर गईं। ये दोनों बुधवार सुबह ही दिल्ली से कसौल पहुंची थीं। उसके बाद घूमने पार्वती नदी के किनारे चली गईं। लापता युवती 26 वर्षीय प्रियंका गुवाहाटी जबकि हादसे में बच निकली कोमल दार्जिलिंग की रहने वाली है। पुलिस टीम बह गई युवती की तलाश में जुटी है। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।